एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को डायपर रैश ना हो उसके लिए हमें क्या करना है। बच्चे को कई बार डायपर पहनाने से रैशेस पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को रैशेस ना पड़े। सबसे पहली बात कि आप बच्चे को जब भी डायपर पहनाए तो वहां की एरिया को बिल्कुल क्लीन रखें और ड्राई रखें। अगर वहां की एरिया क्लीन रहेगी, ड्राई रहेगी, तो बच्चे को रैश नहीं होंगे। सेकेंड, बच्चे का सही डायपर साइज चूज करें। हमेशा अपने बच्चे के लिए मार्केट में दिए गए डायपर साइज से एक साइज बड़ा डायपर साइज चुनें। सपोज आपके बच्चे का वेट 8 kg है, आपके बच्चे का वजन 8 kg है, तो उसके लिए 9 से 12 kg वाला डायपर साइज आप चुनें। थर्ड, बच्चे को डायपर से रैश ना हो उसके लिए आप बच्चे की डायपर वाली एरिया पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल अप्लाई करने के बाद आप बच्चे को डायपर पहनाएं, इससे बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। कोकोनट ऑयल के अलावा कई मेडिकेटेड पाउडर भी आते हैं नैपी एरिया के लिए, आप वो भी बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं जो रैशेज होने से बचाते हैं। फोर्थ, बच्चे को ज्यादा देर डायपर में ना रखें। कुछ देर के लिए, कुछ इंटरवल्स के लिए बच्चे को थोड़ा ओपन छोड़ें। अगर हम बच्चे को ज्यादा देर डायपर में रखेंगे, अब सुबह से लेकर पूरी रात दिन हम उसे डायपर में ही रखेंगे, तो रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मॉइस्चर पाके बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होते हैं और इस वजह से बच्चे को रैशेज पड़ने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमें बच्चे को ज्यादा या लंबे समय तक डायपर में नहीं रखना है। डायपर को हमें बेबी के डायपर को 3 से 4 घंटे पे चेंज कर देना चाहिए। अगर बच्चे का डायपर ज्यादा भर गया है तो हमें उसे तुरंत चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज इससे भी बच्चे को रैशेस पड़ सकते हैं। अगर बच्चे ने डायपर में पूप कर दिया है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा उसमें ज्यादा देर तक वहां पर ना पड़ा रहे, अदरवाइज इससे बच्चे को रैशेज होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें बच्चे का डायपर चेक करते रहना है। जब भी बच्चे का डायपर भर जाए तो हमें उसे तुरंत बदल देना है। और डायपर जब भी हम चेंज करें तो उसके बीच में कुछ गैप रखें। ये नहीं कि हमने एक डायपर पहनाया और निकाला और उसके बाद तुरंत दूसरा डायपर पहना दिया। नहीं, हमने एक डायपर निकाला, डायपर भर गया, बेबी को कुछ देर हमें ओपन रखना है। एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 मिनट बच्चे को ओपन रखें, वहां की एरिया ड्राई होने दें, उसके बाद आप बच्चे को दोबारा डायपर पहना सकते हैं। नेक्स्ट, हमेशा अच्छे क्वालिटी का डायपर बच्चे के लिए यूज करें। अगर ये सब करने के बाद भी बच्चे को रैशेज हो जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारी डायपर रैश की क्रीम भी आती है, वो आप बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं जिससे बच्चे को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि न्यू बॉर्न्स जब पूप पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उसके बाद हम वहाँ की एरिया, कई मदर्स जो होती हैं वहाँ की एरिया क्लीन नहीं करती हैं। हमें वहाँ की एरिया को पानी से अच्छे तरीके से क्लीन करना है। इनफैक्ट जब आप बच्चे को बाथ देते हैं उस टाइम आप वहाँ की एरिया को अच्छे से क्लीन करें, और जब भी बच्चा पूप पास करे उसके बाद भी आप बच्चे की वहाँ की एरिया को पानी से क्लीन करें। जितना ज्यादा बच्चे की नैपी एरिया क्लीन रहेगी उतना ही रैशेज होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि इसी तरह की वीडियो आप देखते रहो। और आपका कोई भी सवाल है बच्चे से रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन में कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।